अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अगतस बलाज। आज हम अपने मॉल को डेकोरेट करने जा रहे हैं। तो बात शुरू होती है कि सुबह से, सुबह मैं फजर की नमाज पढ़ने जा रहा था, तो नमाज पढ़ के जैसे मैं वापस आया हूं तो मुझे रास्ते में एक दरख्त दिखाना। तो मेरा घर भी ऐसी जगह पे जहाँ पे दरख्त काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मैं उस दरख्त पर मैं अपने बाबा की मदद से ऊपर चढ़ा और मैंने घोंसला नीचे ले आया। तो बाबा ने पूछा कि घोंसला, तुमने इस घोंसले का क्या करना है? तो मैंने कहा, बाबा मैं अपने कोई चीज़ में डेकोरेट कर लूँगा ऐसे। बाबा ने कहा, चलो ठीक है। तो मैं आ गया घर, उसको लेके आ गया। तो अभी उस आपको दिखाते हैं वो घोंसला जो मैंने अपने बाबा की मदद से नीचे उतारा था। तो वो जो घोंसला है, वो घोंसला ये है। आप लोग इस घोंसले को देख सकते हैं कि ये ऐसे परिंदे, जिस परिंदे का ये घोंसला, उस परिंदे का नाम बिए है ना। तो ये वो नीचे से यहाँ से गुजरते हैं। ये देखिए, नीचे होल से इन्होंने बनाया हुआ है। तो इसके अंदर से वो अंदर जाते हैं, फिर यहीं से बाहर निकलते हैं। अब हम इसकी डेकोरेशन के लिए हम इसको काटेंगे। चलिए इसको काटते हैं। तो इसकी डेकोरेशन के लिए आप सबसे पहले आपको एक वॉल चाहिए, एक क्लॉक चाहिए होगी, आपको आर्टिफिशियल फ्लावर चाहिए होगा, एक रिबन और एक पेपर पिन, भी आप लोग देख सकते हैं पेपर पिन चाहिए होगी आप लोगों को, और एक सीजर। तो अभी सबसे पहले हम लोगों को सीजर की ज़रूरत है। तो चलिए सीजर्स का काम सबसे पहले शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने सामने से इसको काट लेना है। बिस्मिल्लाह। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं हमने इसको सामने से काट लिया है। अब हम इसको ऐसे अंदर ऐसे खोलेंगे और इसके अंदर वाली जगह इसको थोड़ा नीचे करेंगे। अब ये नीचे हो चुकी है। अब हम इसके अंदर आप लोगों को पहले बताएं कि एक क्लॉक, अब ये क्लॉक आप लोग देख रहे हैं, ये क्लॉक जो आप लोगों को इस वक्त दिख रही है, ये मेरे रूम के बेड साइड टेबल पर पड़ी थी। तो मैं रात को सोच रहा था कि इस क्लॉक का क्या किया जाए, इसको कोई ऐसे यूज भी नहीं है तो इस क्लॉक का क्या किया जाए। तो बस मैंने सुबह अल्लाह ताला के करम से मुझे ये मिल गया कि मैंने सुबह सोचा कि इस क्लॉक को हम इसके अंदर लगा देंगे। तो चलिए लगाते हैं इसको। तो हमने इसके अंदर डाल लिया। ये जो वॉल क्लॉक है जो मेरे रूम में बैठे टेबल पर पड़ी थी, इस पर सिर्फ टाइम मैं ही देख लेता था। तो अब हम लोगों ने ये जो घोंसला आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, घोंसले के इसके अंदर हमने इस क्लॉक को एडजस्ट किया है। अब हम इस क्लॉक को बाहर लगाएंगे ताकि सारे बंदे टाइम देख सकते। पहले तो मैं अपने रूम में था, मैं ही टाइम देता था। और आप लोग देखिए, इसकी जो ये जो घोंसला आप लोगों को दिख रहा है, ये ऊपर से बिल्कुल हट जैसा बना हुआ है और ये एक चिड़िया ने बनाया है। बिल्कुल नेचुरल है ये, कोई ये नेचुरल है, बिल्कुल ओरिजिनल और नेचुरल है ये। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर क्लॉक डाल लिया। क्लॉक डालने के बाद आप लोग इसके यहाँ पे ये आर्टिफिशियल फ्लावर जोड़ लेंगे। आर्टिफिशियल फ्लावर जोड़ने के लिए आपको पेपर पिन की जरूरत पड़ेगी। चलिए इसको जोड़ते हैं। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं हमने फ्लावर और पेपर पिन को एक दूसरे के साथ जोड़कर किस तरह हम लोगों ने इसके ऊपर एडजस्ट कर लिया। तो अभी आप लोग ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये पीछे मैंने फिंगर, ये काफ़ी नाजुक सा है जिसके अंदर मैंने फिंगर से होल कर लिए हैं। तो जैसे आप लोगों के फिंगर एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाए तो आप लोगों ने इसके अंदर इस रिबन को डाल देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस वाली चीज़ को इसके अंदर डाल के इस तरफ से निकाला है। तो आप लोगों ने भी इस तरह डाला है। अब हम इसको हैंगिंग के लिए ये आप रिबन लगाएंगे। तो अब हम इसको पीछे से घेरा लगा लेंगे ताकि ये हैंग हो जाए। अब आप इसकी लुक देखें, सामने से क्लॉक एंड आर्टिफिशियल फ्लावर एंड पीछे से। चले अब इसको हैंग करते हैं। टडाडा। तो आप लोग इस वक्त देख सकते हैं इसको हमने इस जगह पर हैंग कर लिया है। तो अब इस वॉल, इसको हम वॉल क्लॉक कहेंगे क्योंकि ये वॉल पर इस वक्त एडजस्ट कर दिया है। अब इस पर सारा टाइम देख सकते हैं और ये आर्टिफिशियल फ्लावर की तरफ से कितना प्यारा लग रहा है। इसी के साथ मोहम्मद बलाज मेरा को दीजिए इजाज़त। तुम्हें बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद भी रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियो
वीडियो कैसे बनी हो बेल आइकन को मत प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह।